नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, भारत सरकार के अंतर्गत रेल मंत्रालय द्वारा कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया। रेल सुरक्षा बल अर्थात RPF, रेल सुरक्षा विशेष बल में कांस्टेबलों की जो भर्ती है वो 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत की जा रही है। अर्थात इनमें जो लेवल 3 है वो 21,700 रुपये आपका बेसिक पे रहेगा, साथ में अन्य भत्ते जो अलाउंस रहेंगे वो आपको समय समय पर दिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर आपकी जो सैलरी रहेगी 25 से 30 हज़ार में के लगभग आपकी सैलरी रहेगी। बात कर लेते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो तिथि है, तो आपको 1 जून 2018 को सुबह 10 बजे से आप इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। साथ में 30 जून 2018 तक रात को 12 बजने से केवल 1 मिनट पहले तक आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसकी जो परीक्षा होगी वो कंप्यूटर बेस्ड रहेगी अर्थात CBT रहेगी, जो कि सितंबर एवं अक्टूबर 2018 को आयोजित किया जाएगा, जो कि 10+2 बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम रहेगा। तो भारतीय रेल के जो विभिन्न उपक्रम हैं जिनके अंतर्गत आपको विभिन्न प्रकार के जो जोन्स हैं वहाँ पर आपकी पोस्टिंग दी जाएगी। तो इसमें निर्देश क्लियरली तौर पर मेंशन है कि फाइनल ईयर में जो कैंडिडेट हैं अर्थात जिसके पास भी 10+2 या मैट्रिक और 10th नहीं है, कंप्लीट नहीं है, वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। साथ में जिनके पास कंप्लीट डिग्री तथा योग्यता हैं वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्लियरली दिया गया है। साथ में जो महिलाओं और जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने पहले भी अप्लाई कर दिया था, क्योंकि ये एक बार और आयोजित किया गया, तो उनमें जो लिंक दी गई है तो उसके अनुसार उनको तो पहले रजिस्ट्रेशन उसको इससे लिंक कर दिया जाएगा, किंतु उनको अपनी पूरी डिटेल इसमें फिर से फिल करना होगी उसी फॉर्म में, और जिसके लिए उनको 250 रुपीज़ देना पड़ेगा। जो 250 रुपीज़ है वो एक मैनुअल चार्ज है, जो कि कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट जो होगा, आप यदि उसमें उपस्थित और प्रेजेंट होंगे तो आपके खाते में उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। बेहतर है कि आप अपने खाते से ही और डेबिट कार्ड के थ्रू ही पेमेंट करें, ताकि जो पेमेंट है, जो पैसे हैं, वो आपको अपने खाते में मिल जाएंगे। बात कर लेते हैं अन्य जो पोस्ट हैं, तो जैसे कि इसमें वेतनमान जो दिया है 7वां वेतनमान है, जिसमें 1/3 जो मैट्रिक्स होती है, आपको मैं बाद में बता दूंगा इसका बारे में विस्तृत रूप से, जिसमें बेसिक पे 21,700 है और अन्य भत्ते दिए गए। आपकी उम्र 18 से 25 वर्ष के बीच होना चाहिए। साथ में कंप्यूटर बेस्ड जो ऑनलाइन टेस्ट होगा, कंप्यूटर का थोड़ा बहुत आपको नॉलेज भी अनिवार्य है। तो परीक्षा जो सामान्य निर्देश दिए गए हैं, आप सभी को पता है कि परीक्षा हॉल के अंदर मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ, पेन ड्राइव, लैपटॉप आदि कुछ नहीं ले जाना है। आपको सिर्फ पेन ले जाना है, आपका एडमिट कार्ड ले जाना है और जो ज़रूरी दस्तावेज पहचान पत्र है वो ले जाना है। तो बात कर लेते हैं इनकी सीट्स की, तो ऑनलाइन फॉर्म तो आप जो RRV की साइट्स हैं केवल वहीं से आप अप्लाई कर सकते हैं और अन्य माध्यम नहीं है। तो इनकी जो पोस्ट्स हैं कहाँ कहाँ पर दी गई हैं तो आप देख लीजिए। दक्षिण रेलवे, दक्षिण पश्चिम मध्य रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे, दक्षिण पश्चिम रेलवे में जो अनारक्षित पोस्ट हैं वो 656 हैं, कुल मिला के 804 पोस्ट हैं। मध्य रेलवे, पश्चिम रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे एवं दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, तो 440 की जो पोस्ट हैं। तो आप किसी भी एक जोन से अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ से आप अपनी पोस्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। जनरली जो कैंडिडेट चाहते हैं कि जिसको ज़्यादा सीट्स हो वहाँ से अप्लाई भी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो पोस्ट हैं वो 4,403 हैं, पोस्ट दी गई हैं। महिलाओं की बात करें तो 4,216 पोस्ट दी गई हैं। इसकी जो शैक्षणिक योग्यता है, तो आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। साथ में पात्रता प्रमाण पत्र की बात करें तो इसमें भर्ती कराया जा मतलब लेकिन नियुक्ति की पेशकश केवल भारत सरकार द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र जारी करने के बाद ही की जाएगी। तो अर्थात आपको भारत का नागरिक होना आवश्यक है या फिर आपको भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कोई विशेष सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा। शैक्षणिक योग्यता में कांस्टेबल परीक्षा, एग्जीक्यूटिव अर्थात फील्ड वर्क आपका रहेगा, तो मान्यता प्राप्त से आपको 10वीं एवं मैट्रिक, तो आपको 10th पास होना आवश्यक है 10+2 श्रेणी से। आपकी उम्र 18 से 25 के बीच होनी चाहिए, ठीक है, ये इसका रहेगा। वहीं शारीरिक मापदंड की बात कर लेते हैं, तो OBC कैंडिडेट के जो पुरुष हैं उनको 165 की ऊंचाई,
साथ में 157 महिलाओं के लिए दी गई है। वहीं छाती का जो विस्तार है वो 80 से 85 होना चाहिए केवल पुरुषों के लिए। SC ST की बात कर लेते हैं तो पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर की हाइट और 152 महिलाओं के लिए। वहीं अन्य जो गढ़वाल कमाऊ जो अन्य विशेष श्रेणियों के पुरुषपन मांगी गई हैं, वहीं OBC और UR की जो श्रेणी है वो 165-157 मांगी गई है। 80 से 85 आपका सीमा का विस्तृत होना आवश्यक है। तो इस प्रकार से आपको एक्सटेंशन भी दिया गया है, जैसे कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 5 साल का और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 साल का जो एक्सटेंशन दिया गया है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क की बात कर लेते हैं तो कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट रहेगा तो उसमें आपको 500 रुपये जनरल कैंडिडेट को सबमिट करना रहेंगे। जब आप परीक्षा में बैठेंगे तो आपको 400 रुपये आपके अकाउंट में वापस कर दिए जाएंगे, अर्थात कुल मिलाकर आपकी फ़ीस 100 रुपये है, किंतु आपको परीक्षा में उपस्थित होना पड़ेगा। वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति जनजाति पूर्व सैनिक हैं महिला अल्पसंख्यक हैं आर्थिक रूप से पिछड़े हैं तो उनके लिए 250 रुपये इसकी परीक्षा फीस निर्धारित की गई है, जो कि कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट में जब आप उपस्थित होंगे तो 250 रुपये आपके अकाउंट में वापस कर दिए जाएंगे। तो भुगतान जो करना है आपको इंटरनेट बैंकिंग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। ऑफलाइन भुगतान के लिए भी आप SBI से चालान बना सकते हैं, किंतु ये बहुत ही हेक्टिक तरीका है, तो आप अपने डेबिट कार्ड अर्थात ATM का उपयोग कर लें। वहीं इसकी बात कर लेते हैं जो सिलेबस रहेगा किस प्रकार से परीक्षा प्रणाली रहेगी। हाँ, तो बात करते हैं अनापत्ति प्रमाण पत्र की, जो पहले से कार्यरत हैं रेलवे सेवा में हैं तो उनको अपने संस्था डिपार्टमेंट द्वारा सक्षम अधिकारी के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। भर्ती प्रक्रिया आपको पता है कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट रहेगा, शारीरिक दक्षता प्रणाली, शारीरिक मापन, परीक्षा में दस्तावेज सत्यापन अर्थात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा। ये 3 गतिविधियाँ आपको पार करना रहेंगी, PT, PMT और DP। ठीक है, शारीरिक मापन हाइट और आपका सीना मापन किया जाएगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा प्रणाली जो कि आप किसी भी एक भाषा में दे सकते हैं, जो कि 15 भाषाओं में से कोई एक भाषा आप सेलेक्ट कर सकते हैं। 10-20 स्तर तक का आपसे नॉलेज पूछा जाएगा, साथ में इसमें 1 अंक आपको सही उत्तर पर है और नेगेटिव मार्किंग 1/3 की दी गई है। तो कुल मिला के जो परीक्षा होगी वो 3 घंटे की रहेगी, 90 मिनट यानी 1.5 घंटे की, और प्रश्नों की संख्या 120 रहेगी। हर प्रश्न के लिए 101 मार्क्स अलॉट किया जाएगा और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। सामान्य ज्ञान का तो इसमें सिलेबस क्या है, तो सामान्य ज्ञान के आपसे 50 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपको GK अर्थशास्त्र संस्कृति भूगोल राजनीति भारतीय संविधान खेल सामान्य विज्ञान का नॉलेज होना चाहिए। अंक गणित अर्थात एप्टीट्यूड की बात कर लेते हैं तो इसमें 35 अंक का आपसे पूछा जाएगा, जिसमें कि आपको जो जनरल एप्टीट्यूड है मैथमेटिकल एप्टीट्यूड वो पूछा जाएगा, जिसमें संख्याओं पूर्ण संख्याओं दशमलव अंशों संख्याओं मौलिक अंक गणितीय परिचालन परसेंटेज रेशियो प्रोपोर्शन एवरेज ब्याज लाभ हानि डिस्काउंट और ग्राफ का उपयोग और क्षेत्र मिति संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं सामान्य बुद्धि और तार्किक के 35 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें आपको सिलोलॉजिज्म समानताएं डिफरेंसेस स्थानिक दृष्टता रिश्तों यानी ब्लड रिलेशन अंक गणितीय जो तक डी कोडिंग कोडिंग से संबंधित प्रश्न जो जनरल आप बुक कोई भी बुक प्रेफर कर सकते हैं। तो बुक की मैं बात बता दूं आपको, जनरल एप्टीट्यूड जैसे मैथमेटिकल एप्टीट्यूड की बात करें तो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड तो आप RS अग्रवाल प्रेफर कर सकते हैं। वहीं रीजनिंग के लिए आप RK झा और GK के लिए आप लूसेंट ऑब्जेक्टिव और थ्योरी एक बार पढ़ के जरूर जाएँ तो आपका एग्ज़ाम निश्चित तौर पर क्रैक हो जाएगा। शारीरिक दक्षताएँ PET और शारीरिक मापदंड के लिए जो मैं आपको बता चुका हूँ पहले से ही क्या क्या आपकी हेल्थ हाइट होना चाहिए, किंतु फिर भी आपको जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट है उसमें पुरुषों के लिए बात करें तो 1600 मीटर की दौड़ रहेगी, जो कि 5 मिनट 45 सेकंड में आपको पूर्ण करना रहेगी।
साथ में इसमें लंबी कूद और ऊंची कूद 4 फीट की रहेगी। लंबी कूद आपको 14 फीट की रहेगी। भाई महिलाओं के लिए 800 मीटर की दौड़ 3 मिनट 40 सेकंड में पूर्ण करना रहेगी तथा लंबी कूद 9 फीट, ऊंची कूद की बात करें तो 3 फीट रहेगी। तो इस प्रकार के ये मापदंड है जिसको करना सत्य दस्तावेज सत्यापन आपका सिलेक्शन के पश्चात किया जाएगा। प्रारूपों तो बात कर लेते हैं, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी ऑनलाइन फॉर्म भरते समय और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। तो आपको सबसे पहले अपना उम्र प्रमाण पत्र के रूप में 10वीं की मार्कशीट प्रस्तुत करना है। शैक्षणिक योग्यता के लिए 10वीं मैट्रिक प्रमाण पत्र, वहीं केंद्र सरकार के तहत रोजगार के लिए निर्धारित जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना है। पूर्व सैनिकों के लिए निर्वहन प्रमाण पत्र, स्वयं प्रमाणित रंगीन फ़ोटो, दो पासपोर्ट साइज फ़ोटो, सरकारी कर्मचारियों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र और मूल निवासी प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करने हैं। बात कर लेते हैं अन्य जो जानकारी हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपको जो फ़ोटो का साइज है वो 35 mm by 45 mm, जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो वाइट होना चाहिए या हल्के रंग का बैकग्राउंड आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। साथ में आपका जो आवेदन है उसमें संशोधन किस प्रकार से कर सकते हैं, तो 250 रुपये आपको सबमिट करना पड़ेंगे जो कि वापस नहीं किए जाएंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अन्य जो जानकारी है जैसे कि कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होगा तो एक ही साथ आयोजित किए जाएंगे सभी समूह के लिए, अर्थात सभी जो जोन हैं उन सभी में एक साथ आयोजित किए जाएंगे। पात्रता की जो शर्तें पूरे करते हैं वो ये फॉर्म भरें, अन्यथा आपके पैसे भी जाएंगे और आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा। चिकित्सा परीक्षा जो कि आपको बाद में करानी रहेगी, प्रशिक्षण आपको दिया जाएगा, साथ ही प्रशिक्षण के दौरान भी आपको जो बेसिक है वो दिया जाएगा। प्रशिक्षण के अंत में अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करना सभी के लिए आवश्यक है, उसी के बाद आपकी नियुक्ति की जाएगी। और जो कि जो सर्टिफिकेट आपको बनवाने हैं वो एक निश्चित फॉर्मेट में सबमिट करना रहेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो जो भी फॉर्म भरने जा रहे हैं वो अभी से इन फॉर्म्स को भरवा लीजिए, अर्थात उनको तैयार करवा के रख लीजिए, क्योंकि होता क्या है कि अंतिम तिथि से पहले के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रस्तुत करना होते हैं, तो आप ये अभी से बनवा लीजिए। जैसे कि अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जाति प्रमाण पत्र ये फॉर्मेट दिया गया है, जिसमें आपको SDM आपके SDM जिला कलेक्ट्रेट के द्वारा बनवाना रहेगा। वहीं पिछड़ा वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र का फॉर्मेट दिया गया है, और जो अन्य जो पूर्व सैनिक हैं जो पहले से कार्य कर रहे हैं उनके लिए भी एक सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया गया। तो इस प्रकार के जो फॉर्म हैं ये आपको पहले से तैयार कर लेना चाहिए ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो। दोस्तों जो भी आपको डाउट्स हों वो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। आप सभी को एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट।